राष्ट्रपति चुनाव को लेकर देश भर में सियासत गर्म है। देश के इस सबसे बड़े सर्वोच्च संवैधानिक पद के चुनाव को लेकर 81 विधानसभा वाले छोटे से राज्य झारखंड में भी गहमा गहमी तेज नजर आ रही है। हालांकि एनडीए की तरफ से उम्मीदवार के नाम को लेकर किसी भी तरह की घोषणा नहीं की गई, लिहाजा एनडीए में शामिल घटक दल इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। झारखंड में एनडीए में बीजेपी के साथ दो विधायकों वाली पार्टी आजसू मुख्य रूप से शामिल है। हालांकि इसमें जदयू को भी शामिल किया जा सकता है। चूंकि जदयू का झारखंड में कोई विधायक नहीं है, लिहाजा एनडीए में मुख्य रूप से बीजेपी के साथ आजसू ही चुनाव में बड़ी भूमिका निभाती है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आजसू ने अपना स्टैंड साफ करते हुए कहा कि एनडीए में शामिल सभी घटक दलों को मिलकर उम्मीदवार तय करना चाहिए। आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत ने जानकारी देते हुए बताया कि उम्मीदवार ऐसे हो जिसे पक्ष विपक्ष सभी का समर्थन हासिल हो और सर्वसम्मति से सब कुछ हो जाए तो बेहतर होगा। हालांकि आजसू ने साफ कहा है कि एनडीए फोल्डर में शामिल सभी दल अपने उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। दरअसल झारखंड में आजसू बीजेपी के साथ स्वाभाविक रूप से एनडीए में शामिल हैं। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आदित्य साहू के समर्थन में आजसू ने अपना वोट दिया था, जिससे साफ हो गया था कि आजसू झारखंड में बीजेपी के स्वाभाविक सहयोगी पार्टी है और एनडीए में मजबूती के साथ कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।